हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमांशी और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे पांच सुपर फूड्स जो कि काफी हेल्प करते हैं एक न्यू मॉम को रिकवरी में और ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में भी। हर नई माँ को अपने से ज्यादा अक्सर बच्चे की फिक्र रहती है कि उसको ब्रेस्ट फीड अच्छे से मिले, और बच्चे की सेहत में तो नो कॉम्प्रोमाइज। और WHO के अनुसार भी यही बोला जाता है कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध देना चाहिए। तो इससे पहले मैं उन पांच सुपर फूड्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे मैं एक मैजिकल प्रोडक्ट जो कि हाईली रिकमेंडेड है, पहले उसके बारे में बात कर लेती हूँ, जो कि है गैलेट लैक्टेशन ग्रैनुल्स। ये जो है ये माँ का दूध नेचुरली बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट सारे न्यू मदर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। गैलेट लैक्टेशन ग्रैनुअल्स में है शतावरी और 6 शक्तिशाली जड़ी बूटियां। शतावरी जो है ना, वो एक वेल नोन इंग्रेडिएंट है जो कि माँ के दूध को नेचुरली बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो जब आपके पास है गैलेट ग्रैनुअल्स, तो ब्रेस्ट फीड को बढ़ाएं और बॉटल फीड को करें बाय, क्योंकि हम सभी को पता है कि माँ के दूध की जगह कुछ नहीं ले सकता। दोस्तों, गैलेट लैक्टेशन ग्रैनुअल्स एक रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट है जो कि है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 20+ ईयर से एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके 2 चम्मच दूध में मिला के दिन में 2 बार पीना रेकमेंडेड है, और ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स में मिल जाएगा। कुछ लिंक्स जो है वो मैं आपको वीडियो के नीचे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं वो पांच सुपर फूड्स के बारे में जो कि एक नई मदर के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, और आप अगर ये सारे सुपर फूड्स खाएंगे तो आपकी रिकवरी की जो जर्नी है ना, वो बहुत अच्छी रहेगी, और ब्रेस्ट फीड को भी बढ़ाने में ये सारे फूड्स जो हैं काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो सबसे पहले सुपर फूड होते हैं सभी तरीके के नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज इनमें होती है भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्दी फैट्स, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी है अगर आप इस टाइम पे ये सारे नट्स एंड सीड्स जो है वो लेते हैं। अब इनमें आप क्या कुछ खा सकते हैं, बादाम, काजू, अखरोट, सीड्स में जैसे कद्दू के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, तिल जो है काफी अच्छे होते हैं, कैल्शियम में भी काफी रिच होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये सारे तरीके के सीड्स जो है आप जरूर लीजिए, और इसके अलावा आप खजूर लीजिए, आप किशमिश और खुमानी जो आती है, ये सारी चीजें जो है ना आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो अब बात करते हैं सेकेंड सुपर फूड के बारे में, जो कि है हर्ब्स, या बोल सकते हैं इंडियन जो हमारे मसाले हैं वो। अब जैसे कि अजवाइन तो काफी ज्यादा अच्छी रहती है डिलीवरी के बाद, इस पर मैंने एक वीडियो भी करी है, तो आप वो जरूर देखिए, आपको इसके सारे फायदे पता चलेंगे। इसके बाद हल्दी, स्पेशली अगर आपको कच्ची हल्दी मिल रही है ना, तो वो आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं। इसके बाद ड्राई जिंजर या अदरक, वैसे भी आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। इसके अलावा सौंफ, मेथी दाना, ये सारे जो हमारे मसाले हैं ना, इनमें काफी ज्यादा अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, डाइजेशन के लिए भी ये काफी अच्छी रहती हैं, और इम्यूनिटी के लिए भी ये काफी अच्छी रहती हैं, और मिल्क सप्लाई पे भी इसका पॉजिटिव असर देखा गया है। तो ये सारे मसाले आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। और हाँ, एक और चीज जो कि एक मसाला नहीं है बट जरूर आप लीजिए स्पेशली विंटर्स में, जो कि है गोंद। तो गोंद के लड्डू बनवाइए, गोंद आपकी हड्डियों के लिए काफी अच्छा है, आपकी हीलिंग के लिए आप काफी अच्छा है, तो सर्दियों में स्पेशली आप गोंद के लड्डू बनवा के जरूर खाइए। तीसरा सुपर फूड है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स जैसे जो भी सीजन के फल हैं, सेब, पपीता हो गया, केला हो गया, या वेजिटेबल्स में हरी पत्तेदार सब्जियां, घिया, लौकी, गाजर, चुकंदर हो गया, ड्रमस्टिक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, काफ़ी हेल्दी होती है, जो सहजन भी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। और शकरकंद जो होता है, शकरकंदी, ये भी अगर आपके आपको मिल रही है तो आप ज़रूर खाइए, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही वेजिटेबल फ्रूट्स के नाम लिए हैं, लेकिन ओवरऑल जो सीजन के फल और सब्जियां हैं ना, वो आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए, क्योंकि अगर आप अच्छा पोषण लेंगे तो बच्चे को भी आपके द्वारा अच्छा पोषण मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं चौथे सुपर फूड की, जो कि है दलिया, और ये आप ओट्स भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, फाइबर है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट रिच है, तो आप इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करिए, और क्योंकि इसमें फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन में भी जो है ना काफी मददगार रहता है, और इससे भी आपके मिल्क सप्लाई पे पॉजिटिव असर जरूर आता है।
अब पांचवा जो सुपर फूड है वो है सारे प्रोटीन रिच फूड्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे जरूर खाइए, लीन मीट्स हल्का बना हुआ बिना ज्यादा मिर्च मसालों के वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप पनीर खाइए, आप दालें खाइए, अंकुरित दालें जो कि पका के खाएं, कच्ची ना खाएं अंकुरित दालों को, तो वो भी आप जो है जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। तो दोस्तों यही थे वो पांच सुपर फूड की कैटेगरीज। तो अगर आप ये अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपको बच्चे के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।